तो मैं कुछ पोएट्री और कुछ शायरियां सुनाना चाहता हूँ। एक शॉर्ट शायरी से शुरुआत करता हूँ। ये चीज उसकी एक आई कैन लव हर बट शी डजंट डिजर्व इट। मैं बिन मौसम की बरसात हो सकता हूँ, मैं बिन मौसम की बरसात हो सकता हूँ, पर उसे भीगना नहीं आता है। मैं उसके लिए हार सकता हूँ, मैं उसके लिए हार सकता हूँ, पर उसे भी जीतना नहीं आता है। और ये कोई सवाल नहीं है जो फॉर्मूला लगाया और हो गया। ये इश्क है जनाब, पर किसी को नहीं आता है। नेक्स्ट और रोमांटिक एंड मोटिवेशनल जीते जी क्यों फिक्र करते हो, जीते जी क्यों फिक्र करते हो, मौत के बाद क्या होगा मरने के बाद देख लेना। कितना इश्क है कितना आवारापन। लोग कंफ्यूज होते हैं वेदर हाई लव इन हर ब्यूटी और उसके लिए है कि कितना इश्क है कितना आवारापन। एक बार मासूम के गलत है निपट कर देख लेना। तुम गलत थे या वो गलत थे, तुम गलत थे या वो गलत थे, या तुम दोनों नहीं सिर्फ वो हालात गलत थे, एक बार और सोच कर देख लेना। रुक कर खड़े मत रहना, रुक कर खड़े मत रहना, कुछ रस्ते रस्ते ही रहते हैं। रुक कर खड़े मत रहना, कुछ रस्ते रस्ते ही रहते हैं। मंजिल है या नहीं, मंजिल है या नहीं, थोड़ा आगे चलकर देख लेना। क्यों हंसना जरूरी है, क्यों हंसना जरूरी है, क्यों रोना मना है। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है, एक बार जिंदगी की गाड़ी की ड्राइवर के ऊपर बैठ कर देख लेना। ये कहाँ के उसूल हैं, ये कहाँ के उसूल हैं, ये काम के हैं या फिजूल हैं। क्यों अपनाए और माने इस दुनिया की, क्यों अपनाए और माने इस दुनिया की, एक बार अपने घर के देख लेना। और एक है जो मैं रिसेंटली अभी मोटिवेशन का जब मेरी मम्मा की बेटी उसके बाद मुझे उन हाथों से जलन है जो होली के दिन तुम्हें छू पाए हैं, उन आंखों से जलन है जो तुम्हें करीब से देख पाई है, और मुझे उस चेहरे से जलन है, और मुझे उस चेहरे से जलन है जिस पर पानी की बूंदें तुमसे टकरा कर गई है। मैं बहुत जलने वाला लड़का हूँ, कहीं रात ना हो जाए। बढ़िया भाई। आज एक्चुअली क्या हो रहा है, जो दुनिया में आते हैं तो ये देखने की कोशिश करते हैं सीनियर जो उनकी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं है, तो उसके लिए छोटा सा रिफ्रेंड है चार लाइन का। और कुछ लोग खुद को भी ऐसे कंसिडर करते हैं अगर उनकी गर्लफ्रेंड नहीं है तो वो लाइक वो मर जाएगा उनके लिए। अगर तुमने शराब की बोतलों के ढक्कन और किसी के ब्लाउज के बटन नहीं खोले हैं तब भी तुम मर्द हो। और एक और है इतना कंडीशन ये है एक्चुअली बहुत गंदा बोलता है ज्यादा सा लेकिन मजा नहीं आ रहा है। तो ये रुक गए हैं अरमान जो भागने लगते थे तुम्हें देखकर। सो गए हैं सपने जो नींद से समझौता करते थे तुम्हें देखकर। खो गए हैं वो अल्फाज जो कागजों पर आने को बेटा थे तुम्हें देखकर। हो गए हैं पराए जो अपना मानते थे मुझे तुम्हें साथ देखकर। और आगे वो बता रहा है मैं फिर से तुम्हें अप्रोच क्यों नहीं करता हूँ, तो वो कहता है कि ये कोशिश फिर क्यों नहीं करता मैं। तुम्हारा जवाब जानता हूँ क्या, फिर रजामंदी क्यों नहीं पूछता मैं।
मैं बिखरा हुआ हूँ तुम्हारे इंतजार में, मैं बिखरा हुआ हूँ तुम्हारे इंतजार में, खुद को क्यों नहीं समेटता मैं। और ये यंग जनरेशन के लिए वो कहता है कि किसी और के दिल लगाने से, किसी और के दिल लगाने से क्यों बेचैनी है मुझे। हर नए आशिक को, हर नए आशिक को इस टूटे दिल की दास्तान क्यों सुनानी है मुझे। वो बेफिक्री से राहें बदले, वो बेफिक्री से राहें बदले, उसे मंजिल क्यों बनानी है मुझे। ओके, थैंक यू।